हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर देख रहे थे, एल्कोहल के रासायनिक गुण। और एल्कोहल के रासायनिक गुण में हमने क्या किया था, एल्कोहल की जो क्रियाएं होती हैं वो हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पे होती है। और एल्कोहल की क्रियाओं को दो ग्रुपों में बांटा गया था। दूसरा वो पहली वो क्रिया थी जिसमें एल्कोहल ग्रुप का हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, रिप्लेस होता है। दूसरी वो क्रिया थी जिसमें एल्कोहल ग्रुप का पूरा एल्कोहल ग्रुप क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो फर्स्ट टाइप हम लोग देख रहे थे एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें देख रहे थे हम लोग एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाएं। और इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि वो एल्कोहल की वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल समूह की हाइड्रोजन परमाणु क्या होती है, स्थापित होती है। एल्कोहल समूह की वे रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक बात नहीं कीजिए, अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल समूह का क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, विस्थापित होता है। इसमें हमने पिछले वीडियो लिंक में एल्कोहल की सक्रिय धातु आवर्त सारणी के वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों के साथ क्रिया कराई थी। उसके बाद एल्कोहल की क्रिया हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराई थी, और उसके बाद एल्कोहल की क्रिया हमने अम्ल हैलाइड के साथ कराया था। आज के इस वीडियो लिंक में आपको देखना है एल्कोहल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया, एल्कोहल की एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। सबसे पहले आपको देखना है कि एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है, क्या देखना है, एसिड एनहाइड्राइड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एसिड नाम दे रहा है तो उसका मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में से जल का अणु क्या कर जाता है, निकल जाता है। एनहाइड्राइड मतलब जल का निकल जाना। तो आपका एनहाइड्राइड बनेगा कैसे, एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दो RCOOH और इसके कितने अणु ले लो, दो अणु, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणुओं से। यहां से लिखोगे कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणुओं से जल का एक अणु विस्थापित करने के बाद प्राप्त यौगिक क्या होता है, प्राप्त यौगिक आपका हो जाएगा क्या, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु, एक ये और एक ये, इसमें से जल का अणु निकाल दो। देखो जल का अणु हम निकाल रहे हैं, एक में से OH निकाले और दूसरे में से क्या निकाले, H निकाल दिए। तो ये यहां से क्या निकल गया आपका, H2O, इधर क्या बचा, RCO और RCOO, ठीक है। यहां से इस ऑक्सीजन को अलग कर दो, इसका रूप हो जाएगा, यहां से अलग कर दो तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, दो। यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RCO और यहां पे क्या बचेगा, RCO हो गया, RCO और यहां पे क्या हो गया, O।
तो इसकी रचना क्या हो जाएगी, आरसीओ कितनी बार आ गया, दो बार आ गया, तो आपका हो गया आरसीओ का ट्वाइस, और क्या हो गया ओ, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, वैलेंसी हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज करा दिया। अब देखो इसकी वैलेंसी पूरी है कि नहीं, कार्बन एक वैलेंसी सेल की सबों के साथ जुड़ गया, और यहां से क्या किया, दो वैलेंसी से ऑक्सीजन से जुड़ गया, ठीक है, और दो मॉलिक्यूल दे रहे हो, वैलेंसी की क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां से अगर इसको आप ऐसे दिखा दो, आर इधर सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ कर दो, इधर क्या हो गया आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और सिंगल वैलेंसी से क्या कर दो, ऑक्सीजन ले दो, तो देखो कार्बन की वैलेंसी चार हुई कि नहीं, बैक्टीन एच चार, बैक्टीन एच चार, ऑक्सीजन की कितनी हो गई दो, ऑक्सीजन कितनी दो, इस ऑक्सीजन की कितनी दो, ये आपका बन गया, ये स्ट्रक्चर आपका क्या बन गया, ये जो हमने घेर दिया, ठीक है, ये आपका बन गया एसिड एन हाइड्राइड, ये आपका बन गया एसिड एन हाइड्राइड। दिख रहा है क्यों नहीं दिखेगा, दिखेगा ठीक है आ जाएगा। तो हमको क्या बनाना है, एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना ना, एसिटिक एनहाइड्राइड आपका कैसे बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड यानी एसिटिक एसिड के दो अणुओं में से जल का एक अणु क्या करेगा, निकल जाएगा, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपका होता है CH3COOH, इधर एक अणु और ले लो CH3COOH, इसमें से क्या निकाल दे, जल का अणु, एक में से क्या निकाल दे, हाइड्रोक्सिल, और दूसरे में से क्या निकाल दे, हाइड्रोजन निकाल दे। तो यहां से ये आपका बन गया, क्या निकल गया H2O, इधर क्या बचा CH3CO, इधर हो गया CH3CO, और यहाँ से एक ऑक्सीजन बचाना ही भाई वाला, डबल बॉन्ड सबने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब ये आपका ये जो स्ट्रक्चर बना इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, एक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड में से एसिड हटा करके एक एनहाइड्राइड जोड़ देते हैं। IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम किसका एनहाइड्राइड है, एसिटिक एसिड का, और एसिटिक एसिड का आयोपैक एथेनॉइक एसिड, एसिड हटा दो तो यहाँ पे ले लो, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेनॉइक एन हाइड्राइड हो गया। यहाँ तक बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करा दो एथिल एल्कोहल की, देखो रिएक्शन कराने जा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ किसकी क्रिया, एथिल एल्कोहल की क्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या हो गया CH3CO, CH3CO डबल वैलेंसी से O, और यहां से आपका हो गया HO, और इधर हो गया C2H5। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका टूट गया किसमें, देखो यहां से वैलेंसी ब्रेकेज करो, वैलेंसी से ब्रेकेज हुई तो CH3, यहाँ पे CO एक वैलेंसी, और यहाँ पे हो गया CH3COO एक वैलेंसी, और ये आपका टूट गया किसमें, क्या कह रहा है, एथिल एल्कोहल की हाइड्रोजन परमाणु क्या होती है, रिप्लेस होती है। तो जब यहां से ये रिप्लेस हो जाएगी तो दूसरा क्या बन जाएगा, OC2H5। ध्यान देना भाई हाइड्रोजन आकर के कहां पे जुड़ गया बाबा, कहां जुड़ गया, यहां पे जुड़ जाएगा, और ये आपका कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा OC2H5,
यहाँ पे जुड़ गया ओ सी टू एच फाइव। यहाँ तक समझ आया? सुना है ना भाई? यहाँ से वैलेंसी आपकी ब्रेकेज कर गई, ब्रेकेज कर दी CH3CO, इधर CH3CO सिंगल वैलेंसी, और ये आपका टूट गया, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रही है, तो हाइड्रोजन इसका अलग आयन बना दिया और ये क्या कर दिया, एथॉक्सी आयन बना दिया। अब यहाँ से हाइड्रोजन क्या, इसकी एक वैलेंसी बाकी है, यहाँ पे आकर के जुड़ गया आयन के साथ, और एथॉक्सी कहाँ पे जुड़ गई, यहाँ पे जुड़ गई, तो ये आपका क्या बना दिया CH3COOH। क्या बन गया ये, क्या बन गया CH3COOH, एसिटिक एसिड बन गया, ये आपका बन गया एसिटिक एसिड, और ये क्या बन गया, ये आपका बन गया CH3COOC2H5 एल्किल एल्केनेट पे ले लो, तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बन गया, ये आपका बन गया एथिल एसीटेट। तो एल्कोहल जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराता है तो क्या बनाता है, एथिल एसीटेट बनाता है और एसिटिक एसिड बन जाता है। इस रिएक्शन को आप शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो, देखो ये हो गया CH3CO, CH3CO यहाँ पे हो, और हमने रिएक्शन दे दिया इसके साथ एथिल एल्कोहल। तो ये प्रोसीजर मैंने बताया कैसे हो रहा है, और ये शॉर्टकट में आप लिख सकते हो, ये आपका बन गया CH3COOH, दूसरा बन गया CH3COOC2H5, यानी ए बना दिया एसिटिक एसिड, और ये बना दिया एथिल एसीटेट। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्रिया करेंगे, एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्रिया। और ग्रेनेट रिएजेंट क्या होता है, ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड होता है, कार्बन धात्विक यौगिक होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ऑर्गेनोमेटिक क्या होता है, कंपाउंड, यानी हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, कार्ब धात्विक, कार्ब धात्विक यौगिक होता है। अब यहाँ पे कौन सा धातु, मैग्नीशियम धातु, ठीक है, मैग्नीशियम पे की वैलेंसी दो, एक वैलेंसी से जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन का परमाणु, और मैग्नीशियम के दूसरे वैलेंसी पे क्या जुड़ जाएगा, एक्टिव समूह जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका नाम क्या हो गया, कार्ब धात्विक हाइड्रोजन हैलाइड, कार्ब धात्विक मैग्नीशियम धातु है ना, और आर क्या है, कार्बनिक यौगिक है, एल्किल समूह, तो कार्ब धात्विक हैलाइड यानी ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड या कार्ब धात्विक यौगिक, और ये आपके आर एम जी एच फॉर्मूला के जो भी यौगिक होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाते हैं। इस फॉर्मूला के यौगिक आपके क्या कहलाएंगे, रिएजेंट कहलाएंगे। अब यहाँ पे आप आर की जगह पे कुछ भी आपको टप कर लो, आर की जगह पे क्या कर लो, CH3 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो MG, और यहाँ पे क्या कर दो BR कर दो, तो क्या बन गया, CH3 से क्या बन गया, मेथिल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप ऐसे भी बना सकते हो, इसका नाम क्या होगा, फेनिल ग्रुप, फेनिल ग्रुप फिनाइल फिनॉल, अभी आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, इसका नाम क्या हो गया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल कुछ अतिरिक्त जानो, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है,
आइए हम रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल की ग्रीन लॉट रिजल्ट के साथ। तो एल्कोहल का क्या हो गया, आर ओ सिंगल बॉन्ड एच बाबा, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी दो और हाइड्रोक्सिल की वैलेंसी यहाँ से कितनी रह गई, यहाँ से तोड़ोगे तो कितनी वैलेंसी बचेगी, पूरा एक मिले तो एक बची। इसका क्या कर रहा है, इसका हाइड्रोजन परमाणु क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। इसकी क्रिया आप किसके साथ करवा दो, आप करा दो किसके साथ, आर डैश एम जी एक्स, ये आपका क्या हो गया, जी आर हो गया, और ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। कह रहा है कि एल्कोहल की हाइड्रोजन परमाणु क्या होती है, रिप्लेस होती है, तो रिप्लेस हो जाओ ना बाबा, बाबा जी रिप्लेस हो गए। और एल्किल समूह में एक उसकी वैलेंसी बाकी होती है ना, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो ये यहाँ से आपका बना दिया आर सिंगल बॉन्ड एच, और यहाँ से क्या हो गया, आर ओ एम जी एक्स बचा ना, प्लस हो गया आर ओ एम जी एक्स, यानी ईथर का डेरिवेटिव हो गया। आर ओ आर आपका क्या होता है, ईथर, तो इसका नाम हो जाएगा एल्कॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ये आपका बन गया एल्कॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ये क्या बन गया, आर एच। एल्किल समूह की एक वैलेंसी बाकी, और एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा पूरा कर दो, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकला तो एल्किल, और एल्किल में एक हाइड्रोजन जुटा तो एल्केन। तो ये आपका बन गया एल्केन बन गया, और इधर आपका बन गया क्या हो गया, एल्कॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड हो गया। ये आपका हो गया एल्कॉक्सी मैग। आइए हम एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एज, यहाँ पे नाम ले लो CH3CH2OH, क्या है ये एथिल अल्कोहल, और इसकी क्रिया हमने करा दिया CH3MgBr, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इनकी क्रियाएं किस माध्यम में होंगी, ईथर माध्यम में होती हैं। ग्रिनॉल रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं शुष्क माध्यम में हो इतर माध्यम में, तो यहाँ से क्या होगा बाबा, इसका हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, और रिप्लेस करेगा तो किसके साथ जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा किसके साथ, मेथिल ग्रुप के साथ। अब CH3 में एक हाइड्रोजन और जुट गया तो क्या हो गया, CH4 हो गया, ये आपका CH4, और इसका नाम आ गया मेथेन, ठीक है। CH4 का नाम हो गया, ये आपका हो गया मेथेन। इधर आपका क्या बचा, इधर आपका बचा CH3CH2O, और इधर आपका बचा MgBr, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दो से एथिल ग्रुप, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लगा एथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ये आपका बन गया एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही, अगले वीडियो लिंक में आपको एल्कोहल की वो प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी जिसमें एल्कोहल का पूरा हाइड्रोक्सिल समूह क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। अभी आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करा रहे थे, आप इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टीज आप देखेंगे उसमें पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल समूह क्या करेंगे, आप रिप्लेस कराएंगे, जिसमें आप एल्कोहल की क्रिया किसके साथ, इसके साथ कराएंगे PX3 और PX5 के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, इसके साथ पिरिमिडीन के साथ कराएंगे क्रिया, इसके साथ थायनोक्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे, इसके बाद मरकैप्टन के साथ क्रिया कराएंगे, इसके बाद थायो एल्कोहल वगैरह की रिएक्शंस भी हम लोग अगले वीडियो लिंक में देखेंगे जिसमें एल्कोहल का पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, रिप्लेस होता है। तो दोस्तों आप मुझसे जुड़े रहिए, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस और हम एनर्जाइज होकर के आपको प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।